सचिन पायलट ने आज बजट भाषण के बाद विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बजट से हमें उम्मीद थी कि प्रदेश में लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन बजट भाषण को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए। जिन मूलभूत सुविधाओं की जनता को जरूरत थी, आज बिजली पानी का बहुत बुरा हाल है प्रदेश में, विशेष रूप से जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो घोषणा पहले की थी उनको पूरा नहीं कर पाए, अभी नई घोषणा की है। मुझे लगता है कि ये बजट पढ़ा गया है, लेकिन इसमें जो भावनाएं होनी चाहिए थी नौजवानों को रोजगार देने की, अभी घोषणा की लाखों नौकरियां देने की, लेकिन हमारी सरकार जो नौकरियां देकर गई थी पिछले 6 महीने में उनको भी लागू नहीं किया गया। इससे बहुत ज्यादा कोई जनता में प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सचिन पायलट का बयान सामने आया है, आइए आपको भी सुनाते हैं। मुझे उम्मीद थी कि प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन बजट भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति हुई है और कोई ठोस कदम उठाए नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं की जनता को ज़रूरत थी, आज बिजली पानी से बहुत बुरा हाल है प्रदेश में, और विशेष रूप से जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो घोषणाएं पहले की थी उनको पूरा नहीं कर पाए, अभी नई घोषणाएं करी हैं। मुझे लगता है कि ये पढ़ा गया है, लेकिन इसमें जो भावना होनी चाहिए थी नौजवानों को रोज़गार देने की, अभी घोषणा करी है 3 लाख नौकरियाँ, लेकिन पिछले 6 महीने में जो हम लोग, हमारी सरकार जो नौकरियाँ देकर गई थी उनको भी लागू नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि बजट से कोई बहुत ज़्यादा जनता में प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।